हमने आप लोगों को बताया था डे बुक प्लस लेजर। आज वित्तीय वर्ष का सबसे लास्ट दिन है, ठीक है। जो वित्तीय वर्ष का लास्ट दिन है तो जितने भी लोग, अगर आप लोग भी अगर डे बुक नहीं बनाए हैं तो एक डे बुक बना दे बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि डे बुक केवल बिजनेस में ही प्रयोग किया जाए, ठीक है। डे बुक केवल बिजनेस के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाए। यह जो डे बुक है, हम बिजनेस के साथ साथ जो हमारे घर के डेली के रोजमर्रे के खर्चे हैं उनके लिए भी डे बुक बना सकते हैं, ठीक है। कि हमारे घर में कितना आया रहा है प्रतिदिन और कितना व्यय हो रहा है किस मद में, उसको भी लिखने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे आय होते हैं कि हम उसको जान भी नहीं पाते हैं, खर्चे किस मद में हुए हैं, कितने खर्चे हुए हैं, उसको भी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको रिटेन करने की हमारी आदत नहीं है, ठीक है। तो व्यापार के साथ साथ हम जो छोटे जो घर के खर्चे हैं, घर के भी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, घर की अर्थव्यवस्था को देखना है, तब भी हमें डे बुक अपने घर में भी डे बुक, घर के लिए भी डे बुक बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि डे बुक बनाने का सबसे इजी प्रोसेस जो है, एक आपकी कॉपी हो, बड़ी सी कॉपी हो, डे बुक दो, एक मार्केट में भी डे बुक आता है। जो एक हमने बताया आपको कि यह जो आपकी कॉपी है, ठीक है, इतनी बड़ी कॉपी है आपकी, ठीक है, कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद से यह दो पार्ट में होता है, मतलब कि हम कॉपी का दो हिस्सा होता है, तो कॉपी का हम एक ही हिस्सा लिए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले, अगर छोटे व्यापारी हैं तो, बड़े व्यापारी हैं तो, अगर डे बुक नहीं लिखते हैं, घर के सदस्य हैं, मालिक हैं, अगर नहीं लिखते हैं तो आज से ही, आज 31 मार्च है, कल हमारा 1 अप्रैल है, कल से आप अपना डे बुक बनाना क्या करें, शुरू करें, ठीक है बेटा। अब उसके लिए आप शाम को सबसे पहले अपने गल्ले में कितना पैसा है उसको आप कैलकुलेट कर ले। सारे पैसे निकालने के बाद से आप उसको क्या करें, गिन लें, और गिनने के बाद से रख दें, और सुबह जैसे आए कॉपी लेके आए, डे बुक बनाना है हमें, ठीक है। और सबसे पहले ऊपर सपोज करिए कि आपके गले में या आपके पॉकेट में 500 रुपीज है, कितने हैं 500, ठीक है, हो गया बेटा 500। इसको हम कैश इन हैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको रोकर लिख सकते हैं, रोकर हिंदी में, जो भी कॉमर्स के होंगे, नहीं तो क्या लिखते हैं, कैश इन हैंड, यानी इतना पैसा मेरे पास है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप यहाँ डेट डाल दीजिए, एक, ठीक है, 4/2023 हम फाइनेंशियल ईयर से शुरू करें, यानी लोकर से मतलब यह हमें हो जाता है कि हमारे पास 500 रुपये का नगद गल्ले में है, ठीक है बेटा। उसके बाद से किसी भी प्रकार का, अगर आपकी दुकानदारी है तो आप बिक्री करेंगे, जब बिक्री करेंगे, कैश की अगर बिक्री करते हैं, अगर 250 रुपये की कैश की बिक्री करते हैं तो 250 रुपया जमा दिखा देंगे, यहां पर दिखा देंगे नगद लिखें, या फिर हम इसको कैश लिख सकते हैं, ठीक। अगर कोई पहले से हमारे वहां से उधार लेके गया है, अगर पहली तारीख को ला करके हमने प्रेशर बनाया कि भाई मार्च क्लोजिंग करिए, अपना हिसाब किताब करिए, उसके जिम्मे अगर 750 रुपया निकल रहा है, तो अगर वो मार्च में नहीं दे पाया, 31 मार्च आज शाम तक नहीं दे पाया, अगर 1 अप्रैल को ला करके वो दे रहा है, तो 750 रुपया हम उसके नाम से क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। किसके नाम से जमा कर देंगे, जिस भी बंदे ने उस पैसे को जमा किया है उसका नाम हम यहाँ पे मान चलिए कि राम जो है
राम उनसे पैसे सामान लेके गया था 750 रुपये का, और पहली तारीख को राम ने पैसा दे दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, राम ने दे दिया। और दूसरी बात यह आती है कि हम अगर हमारी छोटी सी दुकानदारी है तो हम कहीं ना कहीं से, चाहे छोटी सी दुकानदारी मतलब छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार, दुकान का मतलब होता है दुकान, व्यापार आपका अगर गुमती नहीं है तो आपका व्यापार हुआ, तो आप कहीं से अगर सामान खरीद के लाते हैं तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री मारेंगे। ठीक है बेटा, अगर नगद की खरीदारी करते हैं तब भी आप सामान को यहाँ पे जमा करेंगे। कितने का सामान लेके आए, मान चलिए कि 2,2505 रुपए का क्या खरीद गए सामान, तो यहां हम लिख देंगे नगद कैश 5। क्लियर हो रहा बेटा, हो रहा है ना, अगर हम सामान लेके आए तो 2,505 रुपये का। ठीक है बेटा, उसके बाद से अगर हम कहीं सौदा भी करते हैं, सौदा तय करते हैं, सौदा तय करने का मतलब बेटा क्या होता है, सौदा तय करने का मतलब किसी से करने मतलब कि इतना सामान चाहिए। हाँ, नगद की खरीदारी अगर हम तय करते हैं बेटा, ठीक है, नगद की खरीदारी का मतलब यह कि अगर यह कलम है, ठीक है, हम आज के दौर, आज के डेट में हमने उनसे नगद की खरीदारी किया, नगद की खरीदारी का मतलब यह कि हमें यह 100 पीस चाहिए, आज हमें माल नहीं चाहिए, ठीक है, एडवांस, जिसको हम एडवांस मोड में कहते हैं, एडवांस मोड में खरीदारी, कि हमने आज रेट, सामान का रेट तय कर लिया और हमने उसको पैसा दे दिया। ठीक है, हमने उसको पैसा दे दिया, नहीं सामान तो आज आया नहीं, आएगा एक दिन बाद, दो दिन बाद या तीन दिन बाद, जब भी उसके पास अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन हमने सामान की खरीदारी आज हमने कर लिया, ठीक है, उसको एडवांस मोड कहते हैं बेटा। ठीक है, जब भी एडवांस मोड की चर्चा होगी तो हमने सपोज करिए कि हमने 1,000 रुपये का सामान को, 1,000 रुपये में हमने सामान खरीदा, 100 पीस हमने खरीदा, इसकी कीमत अगर हम उधारी में सामान खरीदते हैं तो इसकी कीमत 12 रुपये है। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर एडवांस मोड में हम खरीदते हैं तो व्यापारी हमको क्वांटिटी के हिसाब से रिबेट भी देता है, कहता अच्छा ठीक है आप 100 पीस ले रहे हैं तो आपको हम 10 रुपया प्रति पीस के हिसाब से दे देंगे। ठीक है बेटा, यानी आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपया 2.5 में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आज तो सामान है नहीं आपके पास, आज तो मिलेगा नहीं ना, लेकिन हमने 100 पीस का कितने हुआ, 100 × 10 हुआ, यानी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हम किससे माल खरीदारी किए हैं, श्वेता इंटरप्राइजेस से। ठीक है, तो श्वेता का नाम है आप हम लिखेंगे श्वेता इंटरप्राइजेस, लेकिन यहां पे यह नहीं क्लियर हो रहा है, यहां पे अगर केवल हम 1,000 रुपया श्वेता इंटरप्राइजेस से हम माल खरीद के लेके आते तो यह क्लियर हो नहीं, होगा नहीं कि सामान की कीमत तय क्या हुई है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो कल के डेट में आप जब आप हमसे हिसाब करने आएंगे तो हम पलटी मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, कि नहीं आपसे, आपसे तय कितना हुआ था, 12 रुपया तय हुआ था, और आप हल्ला करोगे कि हमको कई रुपया मिला था, कितने रुपये में दिए थे तय हुआ था, 10 रुपये में हुआ था ना, तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा ना, तो जब झगड़ा होगा दोनों लोगों के बीच में तो वहां पे यही होगा, अच्छा चलो भाई हो सके हमसे गलती, बोले कौन सी गलती भाई बटे, चलो ना ही 10 रुपया ना 12 रुपया 11 रुपया, तभी तो आपका नुकसान होगा, होगा बेटा, हो गया, एडवांस में हम पैसा भी दिए और उसके बाद समय सामान की कीमत भी ज्यादा लगी, तब यहाँ पे जो सौदा तय हुआ है उस सौदे तय का, ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल डालेंगे कि एक प्रति पे, जो प्रति पेन होगी हमारी यहाँ पे 10 रुपया प्रति पेन,
यानी तय जो सौदा हुआ है उसका भी डिटेल हम वहां पे टकेंगे डाल देंगे। और जिस श्वेता एंटरप्राइजेस के काउंटर पर हम बैठे हैं तो उनसे भी कहेंगे कि आप जो पैसा हम जमा किए हैं ठीक है उसको क्या करिए 10 रुपया एंटरप्राइजेस के हिसाब से आप तो अपने लेजर में यहां करोगे ना कि हमने श्वेता एंटरप्राइज को दिया तो हम यह हमने श्वेता एंटरप्राइजेस के नाम से माल आया है ना तो श्वेता एंटरप्राइजेस से जब माल आया है तो हमने कौन रुपया खरीदा है 10 रुपये ठीक है क्लियर। अब सब आती है बात कि किसी प्रकार के भी पैसे आते हैं तो हम किसमें देखते हैं जमा में दिखाते हैं जमा में दिखाते हैं ठीक है। तो जिसी किसी भी प्रकार का अगर पैसा था किसे नगद बिक्री हुआ तो 500 रुपये की नगद बिक्री हुई तो हम फिर से हम यहाँ पे क्या कर देंगे कैश सेल दिखा देंगे ठीक है। अगर उधारी में बिक्री हुई है या फिर हम भाड़ा दिए हैं किराया दिए हैं तो अगर किराया दिए हैं 210 रुपया किसका किराया भाई सामान आया है उसका किराया तो यहाँ पर लिख देंगे ठीक है। घर खर्चे के लिए भी अगर हमारे पास से हमारे काउंटर से पैसा जा रहा है हमारी जेब से पैसा जा रहा है तो यहाँ पर हम खर्चा लिख देंगे कि 150 रुपया क्या है घर खर्च ठीक है। श्वेता इंटरप्राइजेस के जो भी सेल्समैन है अगर वह कलेक्शन करने के लिए तो हमने उनको 500 रुपया दिया तो 500 रुपया यहाँ पे हम क्या करेंगे लिख देंगे कि श्वेता इंटरप्राइजेस को हमने प्राइजेस को हमने 500 रुपया क्या किया दिया। अब आप एक चीज आपके समझ में यहाँ पे हमने लिखा ना लिखे हैं ठीक है। आप लोगों की आदत इसमें लिखने की है इंग्लिश में अर्थात हमने हिंदी में क्यों लिखा देबुक को हिंदी में हमने क्यों लिखा है बदला नहीं हो सकता उसमें। गुड सबसे अच्छी चीज कि अगर हम देबुक को देबुक के जो भी एंट्री हमारी है ठीक है बेटा तो देबुक की एंट्री अगर हम हिंदी में करते हैं तो किसी भी प्रकार का इन डिजिट जो भी हमारी डिजिट है उस डिजिट में करेक्शन नहीं हो सकता ओवरराइट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हम इसको बनाएंगे तो तुरंत वहां पे मालूम हो जाएगा कि यह अक्षर जो होगा ओवरराइट हुआ। अगर होना भी होगा तो हम इसको काट करके फिर से उसके आगे या पीछे या नीचे लिख देंगे तो क्लियर हो जाता है ठीक है बेटा। इसीलिए हम जो हमारी डेबुक है उस डेबुक को हम किसमें लिखते हैं हिंदी में लिखने की कोशिश हम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल यह व्यापार की और प्लस जो हमारे घर के खर्चे हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बिंदु है। यानी टैली हम शुरू करने से पहले समझने से पहले हमें सबसे मेन जो बिंदु है हमारी क्या है दे। अगर आपको डेबुक लिखने आ गया और डेबुक पढ़ने आ गया तो समझ जाइए टैली आपके समझ में 100% टैली समझ में आएगा नहीं तो अगर टैली अगर इसको आप लिख नहीं पाए हैं तो लिखना नहीं जानते हैं या फिर पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप टैली को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मुख्य बिंदु होता है डेबुक पूरे टैली का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है डेबुक। डेबुक क्या होता है डेबुक बनाने से हमारे जो होते हैं पहला जो हमारा फायदा होता है वह क्या होता है हमारे डेली के जो